दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कंटिन्यू करते हुए रिकर्सिव इंटीग्रेशन को सीखेंगे। क्या है रिकर्सिव इंटीग्रेशन, ये आपके मन में चल रहा होगा। रिकर्सिव इंटीग्रेशन वो पार्ट है इंटीग्रेशन का जिसको अपन इंटीग्रेट करते हैं लेकिन इंटीग्रेट करने के दौरान वापस से वही क्रिएट हो जाता है। जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन करने के दौरान वापस से वो क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, इसे अपन कहते हैं इंटीग्रेशन, रिकर्सिव इंटीग्रेशन। आइए देखो कैसे क्वेश्चन में काम आता है, कैसी फॉर्मेशन में काम आता है। जनरली जब आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स हो, क्लियर है कि नहीं है, साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स हो, या आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स और कॉस ऑफ बी एक्स हो। अब ये जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ये पार्ट तो रिकर्सिव इंटीग्रेशन का है। रिकर्सिव इंटीग्रेशन एक मेथड है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, लेकिन हम इसको लविंग इंटीग्रल की तरह याद करेंगे। जब भी कभी e की पावर ax sin bx आ जाए, जब भी कभी e की पावर x cos bx आ जाए, तो इनका इंटीग्रेशन हमें एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि रिकर्सिव इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप इसका आंसर सॉल्व करके पूरा लिखें, सीधा एक ही बार में आंसर लिख देंगे अगर आपको इंटीग्रेशन याद होगा तो ये आपका एक नेक्स्ट लविंग इंटीग्रल है। लविंग इंटीग्रल हम लोगों ने 27 तक कर लिया था, तो ये है 28 लविंग इंटीग्रल, 28 लविंग इंटीग्रल, 29 बस विद्यार्थियों टोटल लविंग इंटीग्रल 32 है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके तीन और लविंग इंटीग्रल कवर हो जाएंगे, वो भी रिकर्सिव इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे होगा। आइए आपको सिखाएं रिकर्सिव इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले ये देखें कोई भी इंटीग्रेशन अगर e की पावर x * sin bx का फॉर्मेशन आ जाए उसके लिए लविंग इंटीग्रल मैं आपको लिखवाऊंगा एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आइए देखें कैसे। देखो इंटीग्रेशन e की पावर ax * sin bx अगर कभी जीवन में दिखे आपको, क्लियर है कि नहीं है। अब ये देखो यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो पक्का इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा ही लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक फंक्शन होता है फर्स्ट एक होता है सेकंड, किसको मानेंगे फर्स्ट और किसको मानेंगे सेकंड। जब कभी भी आपका दो प्रोडक्ट आ जाए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए और यहां पर एक में e की पावर x ax हो या e की पावर x की झलक हो, तो बस समझ जाना e की पावर x या e की पावर x कंटेंड वाला फंक्शन जो होगा वो आपका हमेशा सेकंड होगा और रेस्ट फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा। क्या कहा सर ने, सर ने कहा है आईलेट का यूज मत करो, आईलेट का यूज करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है। जैसे सर ने कहा था आईलेट तो यूज मत करो, फिर भी आपका मन करे यूज करने का तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है। इधर से इधर देखोगे तो इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी मिलेगी, इधर से इधर देखोगे तो डिफरेंशिएशन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इधर से पहले आ रहा है तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ज्यादा है, पहले है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा एक्सपोनेंशियल का। फिर भी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझो, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन दिखे तो प्रायोरिटी सेकंड फंक्शन की एक्सपोनेंशियल को ही होगी। देखो बात उसी से बनने वाली है, आइए देखें कैसे। यहां पर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का जजमेंट हो गया तो अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। पहले फंक्शन को छोड़ा, फिर आएगा दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, सोचो सोचो, फिर आएगा बेटा माइनस का, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स इंटू बी, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना, और इस पूरे का भी बड़ा इंटीग्रेशन। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, हमें इंटीग्रेशन करना था e की पावर ax into sin bx का, सोचो सोचो, इज इक्वल टू ये आ गया आपका sin bx, e की पावर ax का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर ax by a, माइनस का ये हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos of bx, e की पावर ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ax by a, तो मैं by a बाहर ले रहा हूं और यहां पे आ गया dx, बोला आया कि नहीं आया। यहां पर हो जाएगा e की पावर ax sin of bx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे हो जाएगा e की पावर ax sin of bx by a माइनस का b by a। अब देखो वापस से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट चलेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखो यहां पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन अगर है विद्यार्थियों तो सोचो इस बात को कि एक्सपोनेंशियल कभी भी दिख जाता तो वो सेकंड फंक्शन होता है और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। वापस से मैं यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रहार करूंगा, आईबीपी का प्रहार करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स का हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बाय ए, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, कॉस ऑफ बी एक्स को अपन ने छोड़ा, फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन ऑफ बी एक्स इंटू बी, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर ए एक्स बाय ए और ये हो जाएगा dx, बोलो सही कि नहीं। फाइनली आपको देखेगा e की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस का b अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर e की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ बी एक्स, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin of bx
थोड़ा बेटा क्वेश्चन की तरफ घुराइए, आपको दिखेगा कि यहां पर जिसका इंटीग्रेशन अपन कर रहे थे e की पावर x into sin bx, वही क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वही पार्ट आ गया, हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था वही जनरेट हो गया वापस से, तो इसे कहते हैं रिकर्सिव इंटीग्रेशन। जिस चीज को सॉल्व कर रहे हो वही चीज वापस से जनरेट हो जाना, ऐसे क्वेश्चन में आपको जब भी दिखे सर जो क्वेश्चन ही जनरेट हो गया वही चीज जनरेट हो गई, तो शुरुआत में इसको आई मान लें, आई मानोगे तो बात बनती चली जाएगी। अब देखो ये सर ने आई मान लिया, आई माना तो इसका आंसर क्या आया, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस का ये हो जाएगा बी बाय ए स्क्वायर, बी बाय ए स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा e की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। अब फील करो माइनस का बी बाय इंटू माइनस का बी बाय, इट विल बिकम माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स। बोलो आया कि नहीं आया, ये जो बना इसमें ये नेगेटिव माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू दिस, क्या इसको मैं वापस से आई लिख दूं? अगर मैं इसको वापस से आई लिख रहा हूं कैपिटल आई, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। हाँ या ना, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई को यहां से हटा के यहां पे लिख दीजिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। क्लियर है कि नहीं है? यहां से आई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर वन बचेगा और यहां पर आई आ जाएगा। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया, ये हटा देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। अब फाइनली आपका जो बना आई इंटू ये बना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहां पर बन जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस का बी बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। बोलो सही कि नहीं? एलसीएम लोगे तो यहां पर बन जाएगा ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस का बी ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और आई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया तो आई इज इक्वल टू क्या बना? देखो यहां पर ई की पावर ए एक्स को सर ने कॉमन ले लिया, यहां पर e की पावर x को सर ने कॉमन ले लिया, अंदर बचा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, एकदम रटा हुआ होना चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे आ गया। बोलो विद्यार्थियों यही है आपका वो इंटीग्रेशन जिसको आपको याद करना है। सुनो याद करना भी बहुत आसान, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स है, e की पावर x इंटू साइन बी एक्स है तो सीधा हो जाएगा e की पावर x तो लिखना ही लिखना है, फिर जो कोएफिशिएंट्स हैं x के दोनों में उनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दो। अब बताओ यहां पर a x की पावर x का कोएफिशिएंट क्या है a e में, तो ये हो जाएगा a sin bx माइनस का b cos bx। बस आपको ये याद रखना है a sin bx माइनस का b cos bx, प्लस का सी लगाना न भूले। तो ये था आपका लविंग इंटीग्रल 28, एकदम रटा हुआ होना चाहिए विद्यार्थियों। आइए एक और क्वेश्चन अपन रिकर्सिव इंटीग्रेशन का करें। देखो ये जो मैं पूरा प्रूफ बता रहा हूं ये एज इट इज क्वेश्चन है, अगर आपके सब्जेक्टिव पैटर्न में आ जाए जैसे एनसीईआरटी में भी कई बार पूछा जा सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ये पूरा ही पूरा सॉल्व करना है। लेकिन आईआईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे नहीं। फिर से याद करो ई की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, ई की पावर एक्स नीचे आएगा एक्स के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और फिर आएगा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, साइन में आएगा नेगेटिव, याद कर लो साइन बी एक्स है तो बीच में आएगा नेगेटिव, कॉस बी एक्स होगा तो देखते हैं क्या आता है फॉर्मूला, फिर दोनों को रिलेट करके आपको इजी तरीके से याद करवा देंगे। आइए देखिए अब अगर लविंग इंटीग्रल 29 की बात करें, लविंग इंटीग्रल 29 तो इसको भी मन मंदिर के अंदर बसा लो, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। फिर से सर ने कहा ई की पावर एक्स तो दोनों में ही आएगा, इसके फॉर्मूले भी आएगा इसके फॉर्मूले भी आएगा, आपको ये रिलेट करना है कि अंदर वाला पार्ट क्या क्या बन रहा है और कितना पार्ट कॉमन है और कितना पार्ट अलग है। ये देखें e की पावर x into cos of bx आपके मन मंदिर में छप गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा रिकर्सिव इंटीग्रेशन में जाएगा, तो इसको सबसे पहले क्या मान लें i, रिकर्सिव इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन i से ही शुरुआत करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब e की पावर x दिख गया तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल दिखते हैं उसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं देरी ना करें। e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x बाय a cos of bx को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी और e की पावर ax बाय a और ये हो जाएगा dx।
तो यहां पर आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस का बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। बोलो आया कि नहीं आया। यहां पर आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉस ऑफ बी एक्स आया प्लस का बी अपॉन ए आया। अब देखिए क्या वापस से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। वैसे तो आप इसका फॉर्मूला भी याद कर चुके हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं, मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं ताकि आपको एकदम कंटेस्ट हो जाए। देखो क्या मैं इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लूं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल दिखते ही सेकंड हो जाएगा, बाकी बचा हुआ फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बाय ए साइन बी एक्स को सर ने छोड़ा, फिर माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बी कॉस बी एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x by a dx। बोलो आया कि नहीं आया? यहां पर देखेंगे तो i is equals to e की पावर ax divided by a cos of bx plus का b by a, यहां पर आ जाएगा e की पावर ax divided by a sin of bx minus का b by a। वापस से देखें क्या इंटीग्रेशन में कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स वही नहीं बना जो आपका इंटीग्रेशन आपने चालू किया था? कुल मिलाकर ये वाला पार्ट क्या बन गया विद्यार्थियों? आई। तो यहां देखो आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो ओपन करके तो बी बाय ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स आया, फिर माइनस बी बाय ए इंटू बी बाय ए इट विल बिकम माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स इंटू की पावर एक्स को मैं लिख देता हूं आई। क्या ये वाला पार्ट आई आई के पास चला जाएगा तो आई प्लस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई, ये बना। और यहां पर देखें ई की पावर एक्स में कॉमन ले रहा हूं, ई की पावर एक्स कॉमन लिया, देखेगा आपको कॉस ऑफ बी एक्स बाय ए प्लस का बी बाय ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स। विद्यार्थियों देखें बिल्कुल ध्यान से, ये हो जाएगा आपका आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स आपने कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, पहले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटे, आई हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स। दोनों को घुराओगे तो ये क्या था? ये था इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। बोलो सही कि नहीं? और ये हो जाएगा dx। अब यहां पे देखो e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना पार्ट सेम है। e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स में x के कोएफिशिएंट और दोनों में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम तो नीचे आएगा, e की पावर x तो ऊपर आएगा, अगर साइन है तो बीच में माइनस है, अगर कॉस है तो बीच में प्लस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल वही रहा है, पहले ए फिर यहां वाला प्राणी फिर बी फिर कॉस वाला प्राणी, पहले क्या चल रहा है ए फिर यहां वाला प्राणी ए कॉस बी एक्स, फिर आएगा कितना बी, फिर जो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन बी एक्स। बोलो हाँ है ना? प्लस का सी आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद करने का तरीका देखो, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल अपन करते हैं तो आपको एकदम कंटेस्ट याद हो जाएगा, घबराने वाली बात है ही नहीं। आइए देखिए जैसे लिखा हुआ है आपके सामने इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू साइन 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन है e की पावर 3x है, इंटीग्रेंड लविंग इंटीग्रल है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या होगा e की पावर 3x तो होगा ही होगा, दोनों के x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर याद कर लो, और यहां पर माइनस है तो कुछ नहीं 3 साइन 4x, साइन है तो माइनस आएगा तो क्या होगा a साइन बी एक्स 3 साइन 4x लिख दिया, साइन है तो माइनस है, फिर b अब यहां पर a है तो यहां पर क्या आएगा b, साइन 4x है तो यहां पर आएगा cos 4x। बोलो सही कि नहीं? प्लस का सी। अब अगर मैं लिख रहा हूं e की पावर 3x cos ऑफ 4x तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, e की पावर 3x दिखते ही e की पावर 3x तो आएगा ही आएगा, दोनों के x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम तो आएगा ही आएगा, अब cos है तो बीच में प्लस आएगा, पहले आता है a cos bx, a यहां दिखने वाला प्राणी, a यहां दिखने वाला प्राणी, देखो a यहां दिखने वाला प्राणी आ गया, फिर आएगा प्लस का cos है तो प्लस का, फिर यहां पर b sin bx, अब b क्या है 4 sin ऑफ 4x। बोलो आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड। आपको पहले बता रखा है इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ने लिखा है cos ऑफ ln x प्लस का sin ऑफ ln x dx, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर cos के अंदर लीनियर पसंद है, लीनियर बनाने के लिए मैं ln x को t मान लेता हूं, तो x बताओ क्या हो जाएगा, e की पावर t। तो बताओ dx क्या हो जाएगा, e की पावर t dt। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या बना, ये बना cos t प्लस sin t इंटू e की पावर t dt। अब आप इसको ढंग से देखोगे तो ये दो अलग अलग लविंग इंटीग्रल बन गए, एक बना है cos of t e की पावर t dt, एक बना है sin of t e की पावर t dt। कोई शक? बताओ यहां पर e की पावर t इंटू cos दिखते ही e की पावर t तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड में क्या आएगा, दोनों के t के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इधर भी t का कोएफिशिएंट 1 इधर भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो सही बात है कि नहीं है। फिर यहां पर क्या आएगा, cos है तो बीच में प्लस आएगा, फिर a e की पावर में जो होता है t उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वो होता है a cos t प्लस b, b कौन है, cos t में जो t का कोएफिशिएंट है वो b है, b sin t, बोलो सही कि नहीं, प्लस का यहां पर देखो e की पावर t अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। अब यहां पर sin है तो यहां पर माइनस है, बताओ यहां पर a कौन है, t का कोएफिशिएंट, e की पावर में जो t है उसका कोएफिशिएंट 1, फिर क्या आएगा sin t, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा b, फिर हो जाएगा cos t प्लस का c। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ e की पावर 2 या e की पावर t by 2 कॉमन ले लिया, सोचो cos t माइनस cos t चला गया, sin t प्लस sin t 2 sin t हो गया, और कुछ नहीं करना 2 से 2 काट दो तो ये जगह e की पावर t sin t प्लस c। तो यहां पे e की पावर t को क्या लिख दूं वापस से, x, और ये जगह sin of ln x। बोलो विद्यार्थी समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था पूरा का पूरा लविंग इंटीग्रल जो कि आपको पता होना चाहिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। अपन लास्ट के तीन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos क्यूब ऑफ x इनटू e की पावर -3x। देखो cos क्यूब का कभी अपन ने इंटीग्रेशन किया भी नहीं है, ठीक है, तो अपने को एक आइडेंटिटी पता है cos क्यूब में, कैसे हम जानते हैं cos 3x क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos ऑफ x, बोलो सही कि नहीं। तो यहां पर cos ऑफ 3x प्लस का 3 cos ऑफ x by 4 हो जाएगा cos cube x। तो कभी भी जीवन में cos cube आ जाए तो उसको अपन इससे रिप्लेस करेंगे और आराम से बात बनती चली जाएगी। देखें ये लिखा हुआ है cos 3x प्लस का 3 cos ऑफ x by 4 बाहर और e की पावर माइनस का 3x। जैसे ही लिखोगे आपका लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आप आनंद से झूम उठोगे। देखो e की पावर माइनस का 3x ये हो जाएगा cos 3x प्लस का 3 cos x into e की पावर माइनस का 3x, ये हो जाएगा dx, सही कि नहीं। इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग करते हैं तो बात बन जाए, 1 by 4 बाहर हो गया, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 3x cos of 3x, फिर यहां पर dx प्लस का 3 बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 3x cos of x dx। आइए इसको सॉल्व करें, दोनों के दोनों लविंग इंटीग्रल में चले गए, a e की पावर ax और cos bx, a क्या है -3, b क्या है 3, तो यहां पर हो जाएगा 1 by 4 बाहर इंटीग्रेशन। देखो e की पावर ax तो लिखते ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय a का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 9, यहां पर हो जाएगा कितना a cos bx, तो माइनस का 3 cos of 3x, फिर आएगा b, b कौन है 3, फिर आएगा sin 3x। तो ये हो गया एक पार्ट का आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 लिखा हुआ है, e की पावर माइनस का 3x आएगा, ही आएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखो, a क्या है माइनस का 3, b क्या है 1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर आ जाएगा e की पावर या a cos bx, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 cos of x, फिर आएगा आपका प्लस का, cos आता है तो प्लस आता है, तो ये हो जाएगा b sin bx, तो ये हो जाएगा sin x, प्लस का सी लगाना न भूले। आइए ये क्वेश्चन विद्यार्थियों सबको समझ में आया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान क्वेश्चन, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin of 3x into cos of x dx, हां या ना? क्या आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी sin और cos का प्रोडक्ट देखा? बिल्कुल हां, 2 sin a into cos b आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है sin of a plus b प्लस का sin of a माइनस बी, बोलो हाँ है ना? जैसे ही ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे बात बन जाएगी, लेकिन 2 नहीं है यहां पर, तो
फिर कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे 1 बाई टू बाहर कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 1 बाई टू तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन e की पावर 2x, 2 साइन 3x cos x कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब cos 4x, फिर आएगा प्लस का साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब 2x, और ये हो जाएगा dx। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया। अब आप देखो इसके बाद 1 बाई टू बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 4x अपने आप में लविंग इंटीग्रल, फिर हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 2x अपने आप में लविंग इंटीग्रल। तो कहना ही क्या है, इसके बाद तो आप खुद सॉल्व कर सकता है, तो कहना पड़ेगा IAG। IAG का मतलब है इंटीग्रेट एंड गेट, सही कि नहीं, क्लियर कि नहीं है, बस फॉर्मूला लगाएं और आनंद पाएं। आइए अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x dx। अब आप सुनो और समझो, यहां पे तीन तीन फंक्शन है, तो भैया तीन फंक्शन का तो सर आपने सिखाया नहीं कौन होगा फर्स्ट, कौन होगा सेकंड, कौन होगा थर्ड, तो मानते भी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप तो केवल वन और टू मानते हो। वन और टू में अब आपका ये वाला पार्ट एक लविंग इंटीग्रल बन चुका है, बोलो हाँ या ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1, तो कुल मिलाकर अगर मैं x को 1 मान लूं ताकि डिफरेंशिएशन में खत्म हो जाएगा और मैं इस पूरे पार्ट को सेकंड मान लूं, तो ये आराम से बताओ सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, ई की पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स का। आइए इसको देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ है जब भी तीन फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो आपको दो को क्लब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसको लेना ज्यादा सही है, किसको फर्स्ट मानेंगे और किन दो को क्लब करके आपको सेकंड मानना है। तो इन दो को क्लब करके मैंने सेकंड इसलिए माना क्योंकि इसका लविंग इंटीग्रल मेरे को पता है। तो अब यहां पर मैं एक्स को छोड़ रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन बताओ e की पावर ax * cos bx, तो हो जाएगा e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के एक्स के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम हो जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों ए कॉस बी एक्स और यहां पे a cos bx प्लस का b sin bx, बोलो हाँ या ना, cos होता है तो यहां पे प्लस आता है। फिर यहां पर ब्रैकेट बन, माइनस का इंटीग्रेशन, अब यहां पर क्या आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 और ये पूरा का पूरा एज इट छाप लो cos x प्लस का sin x ब्रैकेट के अंदर। अब इसका खुद का इंटीग्रेशन करना है, बड़े आसानी से कर लेंगे, इसको रब कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा ताकि जगह बने। अब सुनो, ये हो जाएगा x e की पावर x बाय 2, ये लिखा हुआ है cos x प्लस का sin x, इसको अलग कर दो, b यहां पर कितना है 1, इसको अपन ने अलग कर दिया, माइनस का 1 बाय 2 बाहर ले लो। अब आपको दो इंटीग्रेशन अलग अलग दिख रहे हैं, एक है e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x और एक है e की पावर x इंटू साइन ऑफ x, क्लियर है कि नहीं है। अब वापस इसको सॉल्व कर लेता है, ये लिखा हुआ है x e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस का sin x, माइनस का 1 बाय 2 ब्रैकेट के बाहर। अब देखो क्या है ये e की पावर x है ना, इसको सॉल्व करता हूं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी dx इधर भी dx, e की पावर x * cos of x में वापस से फार्मूला लगाओ e की पावर x cos bx, तो कितना हो जाएगा e की पावर ax / a² + b² मतलब 2, और यहां पर हो जाएगा a cos bx + का b sin bx, बोलो हां या ना। अब ये पूरा खत्म, प्लस का इसका आंसर e की पावर x / a² + b² मतलब 2, sin है तो यहां पे नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा a sin bx माइनस का b cos of bx, अब b कितना है 1, cos of x, बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं, प्लस c लगाना ना भूले। आप इन दोनों को आपस से ऐड कर सकते हो, जब आप e की पावर x by 2 कॉमन लोगे तो cos x माइनस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin x आएगा, 2 sin x को देखो और इजी इसको करते हैं, इसका आंसर फाइनल यहां लिखते हैं, ये इसका फाइनल आंसर देखो, x by 2 बाहर है, e की पावर x है, cos x प्लस sin x है, झेल लेंगे, माइनस का 1 by 2 यहां है। अब आप देखो e की पावर x by 2 तो ठीक है, यहां लिखा हुआ है cos plus sin, sin minus cos, cos से cos चला गया तो हो जाएगा 2 sin of x, 2 से 2 फिर चला गया ये बना, तो x e की पावर x by 2 cos of x plus का sin of x minus का e की पावर x by 2 into sin of x plus का c, is the point clear to everybody? तो ये था आज का लेक्चर विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।